चाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में जब आप TAF फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो इसके लिए आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि स्टाफ लॉगिन में आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वेरिफिकेशन करते हैं फटाफट से, और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्टाफ लॉगिन में आ चुका हूँ, और आने के बाद आप ऊपर की तरफ ये 3 लाइन्स देख सकते हो। मैं 3 लाइन्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। नीचे की तरफ TAF और एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस नाम का ऑप्शन शुरू हो रहा है। मैं TAF वाले एरो बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं TAF टीचर फॉर्म सेशन 2020-21। अगर आपने नहीं भरा है तो हमारे इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप TAF भर सकते हैं, लेकिन भरने से पहले आपको ये एंट्री फिलअप जरूर करनी है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 पर। जैसे इस पर क्लिक किया, आपके सामने व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र पर्सनल डिटेल ओपन होती है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई मिस्टेक आ रही है तो आप इसे फॉर्मेट 10 में जाकर ही सही करें। यहाँ पर दिखने वाली सभी सूचनाओं का जो सोर्स है वो फॉर्मेट 10 है, तो आप अगर यहाँ कुछ भी अपडेट करना चाहें तो वो फॉर्मेट 10 से अपने स्कूल लॉगिन से करेंगे। ऊपर की तरफ मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ आ रहा है आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन सूचना निम्न विवरण से संबंधित कॉलम को देखे, रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक करें और वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल पर या ईमेल पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपके द्वारा प्रपत्र 10 अथवा मोबाइल ईमेल आईडी भी बदल अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ कुछ अपडेट करना चाहें तो वहाँ से कर सकेंगे। आधार वेरिफिकेशन के लिए कार्मिक के नाम, जन्मतिथि, जेंडर व आधार क्रमांक की जो कि P10 में यानी कि फॉर्मेट 10 में दिया हुआ है, उस आधार पर कार्ड एवं आधार कार्ड में अंकित है उसके आधार पर होता है। फॉर्मेट 10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला कार्यालय प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार आप आधार कार्ड की किसी गलत प्रविष्टि को सही करवा सकते हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं, आप यहां चेक कर सकते हैं आधार नंबर मेरा ग्रीन मार्क आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं ग्रीन मार्क और वेरीफाइड भी है। वेरीफाई इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी जो डिटेल है वो मेरे स्कूल डिटेल से और आधार की डिटेल मैच हो रहा है, यानी कि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ मैच हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो चुका है। नहीं हो रहा है तो आप अपना फॉर्मेट 10 में आधार नंबर जो डाला हुआ है उस आधार पर लिखी हुई अपनी डिटेल को चेक कर लें, क्या वो फॉर्मेट 10 के आपके सही डिटेल से मैच करती है। अगर मैच करती है तो निश्चित रूप से आपका यहाँ ग्रीन आएगा। आप यहाँ पर आधार नंबर डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर सही नहीं है, मतलब आधार में डिटेल सही नहीं है, तो आप अपने आधार की डिटेल अपने नज़दीकी आधार सेंटर से जाकर सही करवाएं। बिल्कुल आपके वास्तविक डिटेल जो आपकी मार्कशीट के अनुसार हो उसके अनुसार ही करवाएं। नीचे की तरफ मोबाइल नंबर दे रखा है, उसको वेरीफाई करने के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ। नॉट वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर इसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एरो बटन पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट की तरह इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाई आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा। OTP चला गया मेरे मोबाइल नंबर पे। आप ऊपर की तरफ देख सकते हो OTP हैज बीन सेंड, एंटर मोबाइल नंबर। तो मैं वेट करूंगा OTP के आने का। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूं और अपने आधार नंबर की OTP भेज के देखता हूं चाहेगी कि नहीं ईमेल एड्रेस पे। आप यहां देख सकते हैं मुझे एक OTP मिल चुकी है अपने ईमेल एड्रेस पे, तो मैं पहले ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर ले देता हूं। आई हुई OTP को मैंने यहां पर लिख दिया है और मैं इसे सबमिट OTP पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं मोबाइल नंबर के लिए ट्राई करता हूं। जैसे ही दिख रहे ऑप्शन नॉट वेरीफाइड पर क्लिक किया, OTP मेरे मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है, ऐसा मुझे मैसेज मिला है। आप यहां चेक कर सकते हैं। OTP को टाइप करूंगा और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। ये मैच नहीं हो रही है, मैं और OTP जो आई है मेरे दो सेंड हो चुके हैं, तो मैं दूसरी। आप OTP भेजने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, आपकी OTP आ जाएगी। अगर आप बार बार सेंड करेंगे तो आप सबका समझ में नहीं आएगा कौन सी OTP सही है कौन सी गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, और नीचे की तरफ अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है आज की डेट में। तो इस तरह से आप अपने आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करवा सकते हैं अपने स्टाफ लॉगिन में। जल्द मिलते हैं। अगर आपने TAF नहीं भरा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।